आज मैं अपना बाजरा वाजरा ले आया हूँ। कल आपने देखा होगा कि हमारा बाजरा ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास कनकी भी पड़ी है, कनकी वगैरह भी पड़ी है, तो आज मैं 5 किलो बाजरा ले आया हूँ। वो थोड़ा खा लें, ये तंग नहीं करेंगे हमें। तो ये रहा 5 किलो बाजरा। अब ये इसमें करना है और इसके अंदर जो कनकी है वो भी मिक्स करनी है हमें। तो मैंने इसमें कनकी डाल लिया, नीचे कनकी और ऊपर बाजरा, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि ये मैंने कनकी और बाजरा पूरा मिला लिया है, मिक्स हो गया ये। अभी आपको ऐसे नहीं देना, जब आप ये अपने परिंदों को दो तो इसको धो के अच्छी तरह साफ करके देना है आपको, क्योंकि इसके अंदर होती है बाजरे के अंदर होती है मिट्टी। ये देखिए, आप मेरे हाथ पे भी देख सकते हैं, इसके अंदर होती है मिट्टी। आप जब अपने परिंदों को धो के खिलाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने परिंदों को ये बाजरा ऐसे खिलाते हैं तो आपके परिंदों को गले में थोड़ा मसला हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप इसको धो के खिलाएं, जैसा कि मैं रोज़ धो के खिलाता हूँ। तो बाजरे का काम तो हो गया, अभी जैसे झाड़ू वगैरह मारनी है, फिर पाइप लगा के इन्हों का दाना पानी करना है, जिसमें से आज हम 2 बतखें बेच के आ गए हैं। फिर मैं आपको और दिखाते हैं। सफाई वगैरह कर दी मैंने, दिखे जी ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाले इन्हों में मैंने मुर्गे बंद कर रखे हैं, एक ये मुर्गा मैंने खुला छोड़ दिया है, जिससे ये खाता। आज मैं इस मुर्गे को दाना पानी नहीं दूंगा, क्योंकि आज इधर मैंने ये बाजरा ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर ये ऐसे ही ज़ाया होता है, तो ये 10 से उठा उठा के खा लेगा। इसको बस पानी दे देते हैं, और फैंसी भी माशाल्लाह से पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हुआ चलूँ कि आप मच्छरों से अपने जानवरों को बचाएं, क्योंकि मच्छर ने देखिए क्या कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, मच्छर ने देखो, ये देख सकते हैं आप, इसमें ना दाने दाने कर दिए। इसलिए आप हम अब रोज़ धुआं करके जाते हैं, जिससे कि मच्छर इन्हों को काटे नहीं। आप देख सकते हैं कितना गंदा काटा है, सारी जगह दाने दाने, और फैंसियों के साथ भी ये हालत हुई थी। इसलिए आप थोड़ी केयर करें अपने खुडों वगैरह को मच्छर ना रखने के लिए। आप मच्छर वाली कॉइल जलाएं, हम तो धुआं कर देते हैं, इसलिए ये थोड़े बहुत महसूस हैं। और ये हमारी मुर्गी, ये भी मैंने थोड़ी देर खोल दी थी, जिससे ये बाहर जो गिरा हुआ है इसको थोड़ा चुग ले। और उसी के साथ ये हमारे माशाल्लाह से कबूतर, ये आप देख सकते हो सामने हमारा पहला बच्चा खड़ा है जो निकला था, उसके बाद वो ये देख सकते हैं आप, ये रहा वो वाला बच्चा, और वो वाली मादी बैठी हुई है। और फिलहाल अभी जोड़ा वोड़ा लगेगा, फिर मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये वाला मुर्गा लड़के आया है कल, ये आप देख सकते हैं इसका मुंह वगैरह, ये लड़के आया, ये अच्छा लड़के आया, इसलिए हम इसकी ब्रीड ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ के आया है। अभी बस चाय वाले को फड़का के चेक करना था, लेकिन वो देखेंगे कल परसों या ईद पे ही फड़काएंगे, फिर हम आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं। और बस वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। या अगर कोई हमारी तरह है तो लाला या को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो, ठीक है लाला, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।